प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 का SST का अध्ययन करेंगे। उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 6, गांव का प्रशासन। यानी कि गांव का प्रशासन किस प्रकार से काम करता है, क्या क्या होता है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। प्रस्तुत अध्याय में हम राजस्व रिकॉर्ड रखने वाले व आपसी विवादों को निपटाने में सहयोग करने वाले विभागों की चर्चा करेंगे, जिनमें सबसे पहले हम पुलिस के काम के बारे में समझेंगे कि पुलिस का गांव में क्या क्या काम होता है, कैसे वह काम करती है। पुलिस में कौन कौन से कर्मचारी होते हैं जो समस्याएं सुनते हैं, उनमें कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ASI, SI, CO, DSP, SP, SP, DIG, IG और ये सारे के सारे गृह विभाग के अधीन अपना काम करते हैं। आखिर पुलिस का काम होता क्या है, पुलिस क्या काम करती है, तो पुलिस का जो मुख्य काम होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं अपन। क्षेत्र में यातायात नियंत्रण करना, अपराध रोकना व कानून व्यवस्था बनाए रखना, साथ ही प्राकृतिक आपदा के समय जनता का सहयोग करना, ये पुलिस के मुख्य काम हैं। इन कामों को पुलिस को करना होता है। अब दूसरा विभाग आता है राजस्व विभाग के कर्मचारी। राजस्व विभाग में कौन कौन से कर्मचारी होते हैं, तो उनमें देखते हैं अपन कि राजस्व विभाग को संभालने में पटवारी, कानून गो, नायब तहसीलदार, तहसीलदार और जिलाधिकारी, यानी कि जिलाधीश इस कार्य को भी जिले के स्तर पर संभालता है। ये सारे लोग मिलकर और काम करते हैं। अब इनमें जो मुख्य भूमिका होती है वो होती है पटवारी की। तो आखिर पटवारी काम क्या क्या करता है, कौन कौन से काम पटवारी को करने होते हैं, तो उनमें सबसे पहला आता है जमीन को नापना। वह किसानों की जमीन को आवश्यकता पड़ने पर नापता है कि ये जमीन कितनी है। दूसरा काम आता है किसानों से लगान व सिंचाई शुल्क वसूल करना, यानी कि समय समय पर सरकारी राजस्व उसे इकट्ठा करना होता है। तीसरा काम जमीन का पूरा रिकॉर्ड रखना, यानी कि जमीन किस प्रकार की है, क्या है, कौन सी फसल है, उसमें कुआं है या नहीं है, ये सारा रिकॉर्ड रखना। और विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र जारी करना, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, इस प्रकार के प्रमाण पत्र आवश्यकता पड़ने पर विद्यार्थियों के लिए जारी किए जाते हैं। किसान को भी नकल की आवश्यकता पड़ती है तो पटवारी से नकल प्राप्त करता है। तो कौन कौन से ऐसे काम हैं जहां नकल की आवश्यकता पड़ती है, तो उसमें पहला आता है जमीन खरीदने व बेचने के लिए। जब भी जमीन खरीदी व बेची जाती है तो नकल की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा काम आता है उसका, यानी कि नकल कब चाहिए, तो उसके लिए दूसरी स्थिति है किसान जब भी अपनी फसल बेचता या फिर कहीं से फसल खरीदता है तो वहाँ भी नकल की आवश्यकता होती है, नकल से ही फसलें बेची और खरीदी जाती है। तीसरी आवश्यकता होती है बैंक से लोन लेने के लिए। जब भी किसान को KCC बनानी हो, पैसे लेने हो, तो वह नकल पर ही दिया जाता है, यानी कि किसान अपनी नकल पर बैंक से लोन ले सकता है। चौथा, खाद बीज खरीदने के लिए। जब जब भी खाद और बीज खरीदता है वह सरकारी दुकानों से या कमीशन वालों से, तो फिर उसको नकल की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही जब वह जमीन को बेटे और बेटियों में, यानी कि उनके अपने वारिसों को बांटना चाहता है, तब भी जमीन की आवश्यकता पड़ती है, नकल की आवश्यकता पड़ती है। और जमीन की स्थिति जानने के लिए भी नकल की आवश्यकता पड़ती है कि जमीन किस प्रकार की है और उसमें क्या क्या सुविधाएं हैं, तो वहाँ भी नकल की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार एक किसान की नकल की आवश्यकता के बारे में हमने समझा। हमारे देश में एक नया कानून बना है जिसे हिंदू अधिनियम की धारा 2005 के नाम से जाना जाता है। जब भी किसी के पिता की मृत्यु हो जाती है तो अब उस जमीन पर बेटे बेटियों और उसकी माँ का अधिकार रहेगा। गांव में कौन कौन से विभाग काम करते हैं, तो उनमें सहकारी समितियाँ होती है, राशन की दुकान, बैंक, पुलिस थाना, डाकखाना, आंगनबाड़ी, सरकारी स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, पशु चिकित्सा।